के हथियारों को फांसी फांसी मिलनी चाहिए, उनको छोड़ना ना, उनको छोड़ना मत, नहीं तो दूसरी बार ये ऐसी रोएगी जिंदगी भर, नहीं तो मेरी जैसी न जाने फिर कितनी माएं ऐसी रोएगी जिंदगी भर, कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना, मेरी बेटी के हथियारों को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कैसे रहूंगी मैं, मेरी बेटी के हथियारों को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, उसको फांसी देना, फांसी देना, तभी मैं बोलूंगी मेरी बेटी के साथ इंसाफ हुआ है, हमारे साथ इंसाफ हुआ है। हाय दोस्तों, और अंकिता हमारी पहाड़ की बेटी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है, और हमने ये लड़ाई बंद नहीं करनी है जब तक उसके हथियारों को फांसी की सजा न हो जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और हमें सभी अपने उत्तराखंड भाइयों से अपील करता हूँ कि हमें ये लड़ाई तब तक बंद नहीं करनी है जब तक उसके हथियारों को तीनों को फांसी की सजा नहीं हो जाए, वो तीनों फांसी के फंदे पर नहीं झूल जाएं। इस माँ का रो रो के बुरा हाल है, अंकिता की माँ का रो रो के बुरा हाल है, वो कह रही है जब तक मेरी बेटी के हथियारों को फांसी नहीं हो जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। और हम सभी ने साथ देना है, हमारे उत्तराखंड के जितने भाई बहन लोग हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह मुहिम चला दो उसके हथियारों को जब तक फांसी न हो जाए, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं उनके फैमिली को, उनके हम सारे लोग, उत्तराखंड के लोग, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और जब तक उसके फैमिली वाले उसके अंकिता के हथियारों को फांसी की सजा नहीं हो जाए, हम तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ ये पूरा देश इस समय उनके साथ खड़ा हुआ है। उस माँ का रो रो के बुरा हाल है, वो कह रो रो के कह रही है कि जब तक मेरे बेटों के हथियारों को फांसी ना हो जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगी, और होना भी नहीं चाहिए। पूरा देश, पूरा उत्तराखंड के लोग, पूरे देवभूमि के लोग सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। और हम पूरे उत्तराखंड के लोग ये प्रण लेते हैं, ये शपथ लेते हैं जब तक इन तीनों को हथियारों को फांसी की सज़ा ना हो जाए, चाहे कोई भी, जब तक ये लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे देवभूमि के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और हम तीनों को फांसी की सज़ा दिला के रहेंगे। जय हिंद।